नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है इंडियन कॉमन करेंट। भारत का अगर कहा जाए तो भारत में सबसे खतरनाक सांप नंबर वन जहरीला सांप इंडियन कॉमन करेंट। आप डिस्प्ले में देख रहे हैं कॉमन करेंट काला ब्लैक में व्हाइट लाइनिंग होता है, और ये इसका और एक सांप है जिसका नाम है वाल सीन करेंट। दोनों में दिखने में बराबर है, सेम है, थोड़ा सा अंतर है। वाल सीन करेंट का बैक साइड में थोड़ा पीला होता है, मतलब निचले भाग में, और इसका जो है पूंछ की तरफ और गर्दन की तरफ थोड़ा सा अलग कलर होता है। लेकिन इंडियन कॉमन करेंट ये जब मुँह खुलता है वो पिंक कलर गुलाबी, और सबसे बड़ी बात है इंडियन कॉमन करेंट यह अक्सर रात को बिस्तर में ही काटता है। इंसान जब सो जाता है उस समय में इंसानी बस्ती में घुसता है, उसके बाद इंसान का जहाँ पर गर्माहट, शरीर का गर्माहट पाने के लिए वहाँ चुपचाप सो जाता है, जाने अनजाने में हाथ पर पड़ता तभी काटता। लेकिन आज जो मैं वीडियो दिखाने जा रहा हूँ, ये जो व्यक्ति जो शख्स है इस तरह खिलवाड़ कर रहे हैं, देख लीजिए तो दोस्तों पहले वीडियो। दोस्तों देख रहे हैं, इन्हें पता नहीं है, इस सांप के बारे में नॉलेज नहीं है, पता नहीं है ये सांप क्या है। जीता जागता एक यमराज है इंडियन कॉमन करेंट। ये भले इसको जब तक चोट नहीं लगे काटता नहीं, लेकिन फिर भी सांप का व्यवहार आप कभी कह नहीं सकते, बता नहीं सकते। जिस तरह अपने हाथ में लेके इंडियन कॉमन करेंट को खेल रहे, मुझे लगता नहीं इस सांप के बारे में बखूबी जानकारी है इनको, ना इस सांप के बारे इनको बराबर नॉलेज है। क्योंकि ये सांप हो सकता है आपका बॉडी में गर्माहट के कारण भी काट सकता है, इनको कोई नहीं कह सकता, ये कोई पालतू नहीं है। आप उस इंडियन कॉमन करेंट को हाथ में लेके खिलवाड़ कर रहे हैं, और ये देखा देखी बहुत सारा ऐसा जो नौजवान है जो अभी नए नए सांप पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी इस बहादुरी को बोलेंगे हम क्यों नहीं कर सकते। तो इसीलिए जो शख्स कर रहे हैं, पता नहीं ये स्नेक सवार है, मुझे लगता है स्नेक सवार है, लेकिन इनको नॉलेज नहीं सांप के बारे में। ये इंडियन कॉमन करेंट बहुत ही खतरनाक न्यूरोटॉक्सिन, और इसका सिर्फ 2 मिलीग्राम जहर, मतलब कोबरा का 12 मिलीग्राम जहर शरीर में जाए तभी इफेक्ट होगा, और करेंट का सिर्फ 2 मिलीग्राम जहर जाता है तो इफेक्ट होता है। और सबसे बड़ी बात है कॉमन करेंट में हर डॉक्टर हाथ उठा लेते तब जब ये बाइट करने के बाद आपका आप कोमा में चला जाता है। उस समय में कोई भी डॉक्टर कह नहीं सकता आप बचेंगे कि नहीं बचेंगे, सब ऊपर वाला का दवाई तो चलता है, लेकिन उस समय में अगर कोमा में चले गए 36 घंटा, 40 घंटा, 50 घंटा, कभी कभी 90 घंटा होता है, कभी कभी तो पेशेंट अगर कोमा से बाहर भी आता है तो मुंह से बोलना बंद हो जाता है, मतलब पूरी तरह गूंगा हो जाता है, आँख में दिखना बंद हो जाता है, उसके बाद पूरी तरह याददाश्त खत्म हो जाता है, पागलपन वाला शिकार हो जाता है। तो इसीलिए ये बहुत खतरनाक सांप है, इसके बच के रहिए इंडियन कॉमन करें। और जो ऐसा कर रहे हैं तो इसको सोच रहे हैं कि बिना जहरीला सांप है, अगर जहरीला समझ के कर रहे हैं तो सरासर गलत है, आपको देख के दूसरा कर सकता है। आपका किस्मत अच्छा है कि आपको सांप काटा नहीं, लेकिन प्लीज़ जो भी आप है ऐसा ना करें, क्योंकि दुख तब लगता है कोई हर दिन हर साल 65,000 आदमी भारत में मृत्यु होता है सर्पदंश से, सिर्फ जो है जानकारी के अभाव और सिर्फ झाड़फूंक का चक्कर। अभी बिहार और यूपी में हर दिन 15-20-30 आदमी का मौत हो रहा सिर्फ जो है झाड़फूंक का कारण। सांप काटता है तो झाड़फूंक के पास ले जाते हैं, और कभी कभी ये होता है सांप काटा और उसको जो है जहर गया ने बॉडी में, या जहर बहुत कम मात्रा में गया और ओझा के पास झाड़ रहे 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा तक, और घर वाला सोचा कि कोई दिक्कत नहीं 3 घंटा पार हो गया, ओझा भी सोचा हम ठीक कर दिए, वो अपना जो लेना था ले लिए, अब आपको छोड़ दिया। लेकिन सुन लीजिए दोस्तों, कॉमन करेंट 14 घंटे का बाद भी असर हो सकता है, वो डिपेंड तब करता है जब जहर बहुत कम मात्रा में जाए। तो इसीलिए 14 कभी देखा गया 17 घंटे के बाद भी एक कॉमन करेंट का पेशेंट को नींद आने लगा, फिर अचानक धीरे धीरे कोमा में चला गया, सीने में जला नहीं है। तो इसीलिए जो है बॉडी इम्यूनिटी, और अगर जहर कम जाए तो लेट से भी असर हो सकता है, इसीलिए डॉक्टर का सहारा ले दोस्तों, वहाँ पर जाए एंटीवेनम ले और उसी से इलाज कराए दोस्तों। आज के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत।